गोरखपुर महोत्सव में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर लोग पहुंचकर बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर टेराकोटा के विस्तार और व्यापार में बढ़ावा सहित विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किया गया है। साथ ही इस कला को ODOP के तहत भी रखा गया है, जिससे इस कला से जुड़े लोगों को बेहतर से बेहतर लाभ व सुविधाएं मिल सकें। वहीं इस कला का प्रचार प्रसार भी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मेला परिसर में लगे विभिन्न टेराकोटा के स्टालों पर लोग विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देखकर मोहित हो रहे हैं और उचित दामों में इन कलाकृतियों की खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं टेराकोटा की दुकानदार रितेश ने बताया कि टेराकोटा में हाथी का स्टैंड, हाथी, घोड़ा, गुल्लक, कछुआ, म्यूजिक मैन, लालटेन, झोपड़ी, दरबान जैसे आइटम ग्राहक की मांग पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों में कछुआ और म्यूजिक मैन की ज़्यादा डिमांड है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रबंधन इकाई के अंतर्गत महिला उत्पादक समूह का स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें पाली ब्लॉक की रहने वाली संगीता ने बताया कि इस स्टॉल पर हल्दी पाउडर, चना बेसन, चना सत्तू, मरुआ आटा, मकई आटा, चना भुजा, मूंगफली की नमकीन, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चना का दाल, आलू चिप्स है। इस समूह में कुल 15 महिलाएं काम करती हैं। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस से हम सभी खुश हैं। सभी महिलाएं महीने का 3 से 4 हज़ार की आमदनी कर लेती हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉल से लोग बहुत पसंद से सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए गोरखपुर महोत्सव में लगे स्टॉल के दुकानदारों ने कहा, कहाँ से है? पाली ब्लॉक, पाली ब्लॉक से। पापड़ है, चिप्स है, सब कुछ। पापड़ कहाँ है? एक बार हमारे प्लांट में भी आइए आप। हमें जिस पोषक तत्व की कमी है उसे खेतों में फसलों से नहीं जलाना चाहिए। फसलों से जलाने से हमारे मित्र के चल जाते हैं। ओले का अचार है, सब घर का ही बनाया हुआ है। हम लोग समूह के औरतें मिलकर के हम लोग बनाते हैं। खसरिया लीजिए, देखिए मुरब्बा है, संगीता रावत तिरान से आए हैं, पाली ब्लॉक से, तिरान गांव से। किस स्टॉल लगाई है? क्या जी? स्टॉल लगाई है? यहाँ हमारा ये सब राशन वाला है आइटम, रागी का आटा है, मेड़ू, अरे बाजरा है, मकई है, सत्तू है, बेसन है, हल्दी है, और सामा कोदो का चावल है, रागी लड्डू, तिल लड्डू, चना, बेसन, और नमकीन भी बनाते हैं डलमोट। अपने खुद बनाते हैं कि बाजार से? नहीं, हम लोग 15 महिलाएं हैं। पहले उत्पादक समूह बनाए थे, तो उत्पादक समूह में हम पहले शुरू शुरू में हल्दी का बिजनेस शुरू किए। हमारे गांव में हल्दी होती है,
हल्दी का खेती करते हैं हम लोग, तो उसी से हमारी दीदियाँ बोली कि इसको जब हम लोग दूसरे मार्केट में ले जा बेचते हैं, यही हम लोग अपना इकट्ठा करके उसको हल्दी अब बनाएंगे, तो हम लोग अपना वही इकट्ठा करके और उसको पैकेट बना के मार्केट में पहले पिसवाते थे, पैकेट बनवा के और उसके बाद से घर घर स्कूलों पे बैंक पे और दीदियों के घर बेचना शुरू कर दिए। उसके बाद से तो हमको हमारे संता से भी सपोर्ट मिलने लगा, जब संता से सपोर्ट मिला है तो जहाँ जहाँ स्टॉल लगा वहाँ वहाँ हम लोग जाने लगे, और उसके बाद से हमको यहाँ चिड़ियाघर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से हमको चिड़ियाघर में दुकान मिल गई है, वहाँ हम डेली लगाते हैं। इस समय हमारा पहले हम अपना बिजनेस 3000 से शुरू कर किए थे, और इस समय हम 15 महिलाएं हैं, वो लोग भी महीने का 3000-4000-5000 रुपया जैसा हमारा चलता है सेलिंग होता है वैसा वो भी कमा रही हैं, और हम भी सक्षम हो गए। इस समय हमारा 1-1.5 लाख का बिजनेस हो गया है, हाँ 1-1.5 लाख का बिजनेस हमारा, जब हम चाहे तो हम अपने खुद हम अपने बल पे चाहे तो हम अपने परिवार का और जो हमारी 15 दीदियां हैं उनका भी हम लोग आपस में अपना पालन पोषण कर सकते हैं। मतलब स्थायी दुकान आपके चिड़ियाघर में? हाँ चिड़ियाघर में है, डेली हम वहाँ से हाफ डाउन करते हैं। इसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को रहते दिल से और हमारे दीदियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं, और जो हमारे समूह के BO हैं, अधिकारी हैं, जिला प्रबंधक हैं, उसको भी हम अपने तहते दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। हमारा सरिता नाम है, बोराबर ब्लॉक से आई हूँ। हम लोग समूह बनाए हुए हैं, और तो 10 औरतों का ग्रुप है, हम लोग घर पर ही ये सब तैयार करते हैं। हम आंवले का आंवला लाते हैं, आंवले से 3 प्रकार का सामान बनाते हैं, जैसे आंवले से मुरब्बा हो गया और अचार हो गया, मुरब्बा चवनप्राश हो गया, इसके बाद अचार भी बनाते हैं, आम का अचार है, मिक्स अचार है, कटहल का अचार है, जिस सीजन में जो चीज़ मिलता है वो हम लोग सामान तैयार कर देते हैं और हम लोग का पूरा बिक जाता है। किस तरह से आपने इस हम जैसे कि हम ये बिजनेस शुरू किए, पहले हम ऐसे ही मेले में हम गए देखे, सब औरतें छोटा छोटा मतलब लेकर के मतलब बेच रहे हैं बना करके, हम भी सोचे ये बिजनेस हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा 5000 का इसमें लागत लगाए, 5000 का लागत लगाए, और इस समय देखिए हम 3 दिन के अंदर में हम 12000 रुपया कमा, ऐसा ही हमारा रोजगार बढ़ता गया, बढ़ता हम आगे बढ़ते हैं। अब से भारती भैया कहाँ सा है? एकला नंबर, एकला जंगल। किस तरह का यहाँ पर ये महोत्सव लगा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग आते हैं। किस आइटम का स्टॉल लगाया है? टेराकोटा का है, ये टेराकोटा का मिट्टी का है, हम लोग सब लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? ये भैया जो आइटम है हाथी है, लंटेन है, वो कछुआ है, यही सब। कुछ नया भी है इसमें इस बार? भैया अभी तो फिलहाल नया हम लोग के पास कुछ है नहीं, मतलब नया चीज़ बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं मतलब? फिलहाल भैया जो चीज़ हम लोग बनाते हैं वो सब तो यहाँ पे फिलहाल है ही। अब नाम क्या है, नाम क्या क्या बनाते हैं? जैसे कि दरबान हो गया, ये प्लांट हो गया, वो ये हाथी हो गई, लंटेन हो गया, ये बड़ा टेबल हो गया, यही सब बनाते हैं। और भी जो कुछ बनवाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा। कस्टमर पसंद आ रहा है? कस्टमर को बहुत पसंद आ रहा है भैया, हम लोग का माल काफ़ी बिका है यहाँ पे, सामान बहुत ज़्यादा बिका है, हम लोग माल मंगवाए घर से भी, अब आज भी आएगा। भैया मेडिकल के आगे से बुढ़ऊ टोला रितेश मनी। कहाँ था? जंगल एकला नंबर 2 बुढ़ऊ टोला। किस तरह का स्टॉल लगाया आपने? टेराकोटा की स्टॉल लगी है। क्या क्या रखा है? टेराकोटा में हम लोग इस हाथी का स्टैंड रखे हैं, हाथी रखे हैं, घोड़ा रखे हैं, गुल्लक है, कछुआ है, फिर म्यूजिक मैन है, लालटेन है, फिर झोपड़ी है, बहुत सारी आइटम हैं, दरवान भी है। कस्टमर लोग की अच्छी स्थिति है, अभी तो सेल हो रहा है, अच्छा सेल हुआ है, 11 तारीख से स्टॉल लगा है हमारा यहाँ पे और 17 तक लगा रहेगा। कुछ मांग भी है नया कुछ भी है में? नया तो सर न्यू आइटम निकालते रहते हैं हम लोग जी, जैसे कस्टमर की जो ज़्यादातर कस्टमर क्या मांग होती है? ज़्यादातर तो ये कछुए अभी डिमांड हो रहे हैं और म्यूजिक मैन डिमांड हो रहे हैं जी।